Morning students, welcome to the class. This will be the last part of this chapter, role of media. ठीक है, class 7th civics. तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि what is the sources of money for the media, है ना? ये सब हमने पढ़ लिया था. Constraints on the media पढ़ लिया था. Media and technology की with time, how the technology used by the media is changed. ठीक है, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो ये भी बहुत सिंपल सा है, पता ही मैंने शायद डिस्कस किया था, मुझे याद नहीं है, वापस बता देती हूँ. प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. देखिए, आपकी जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें आवाज़ की थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है और मैंने उसको रिपीट कर दिया है. तो अगर कुछ बच्चों को जिन्होंने समझ लिया होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है उसमें, बिल्कुल तो म्यूट नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ रहा है. तो जिसको भी अगर प्रॉब्लम है तो वो इसका रिपीटेड पार्ट देख लेना, मैंने उसको रिपीटेड पार्ट के नाम से डाला हुआ है. वीडियो वन मतलब पार्ट वन रिपीटेड, ठीक है. और अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी. ऑल ऑफ़ यू हैव माई नंबर. वैसे भी तो कॉल करते हो ना मुझसे कितनी बार पूछने के लिए. तो अगर वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल मी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. फाइन. सो अभी आपके पास, अब इसमें आ जाते हैं हम. तो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है? मीडिया दो तरीके से काम करती है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुरुआत में राजा महाराजाओं के दिनों में क्या होता था, वो ढोल बजाकर लोग आते, सुनो सुनो सुनो. तो वो जो बंदा होता था, वो जो पर्सन होता था, वो भी एक मीडिया जैसा ही होता था, ठीक है. क्योंकि वो राजा की सारे इन्फॉर्मेशन या उसके जो ऑर्डर्स होते थे, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दैट वॉज गिवन बाय द किंग और द क्वीन, हु वो ही डिलीवर्ड टू द सिटीजन्स, और जो सिटीजन्स की बात होती थी वो राजा तक पहुँचाता था. तो एक तरीके से ही वॉज द मीडियम, है ना. और मीडिया जो वर्ड है वो मीडियम से ही कहीं ना कहीं से रिलेटेड लगता है. तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अब उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पेपर्स की प्रिंटिंग वगैरह शुरू हुई. तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स, है ना, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अपनी मैगजीन्स, ठीक, और इसके अलावा फिर हम देख सकते हैं पीरियोडिकल्स. पीरियोडिकल्स, यू नो, शायद मैंने पहले भी बताया होगा आपको कि कुछ पेपर्स होते हैं ना जो वीकली आते हैं, 15 डेज में आते हैं. मैगजीन्स मंथली आती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही वो पब्लिश होते हैं, तो उनको हम पीरियोडिकल्स कहते थे, ठीक है. और ये जो होती हैं तीनों चीज़ें, ये प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, इसीलिए इनको हम किस में रखते हैं, प्रिंट मीडिया में रखते हैं, ठीक है. प्रिंट मीडिया में आपके पास आ जाएंगे न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स. अब नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है? हमारा रेडियो, न्यूज़ चैनल्स जो कि टीवी में हम देखते हैं, टेलीविजन्स और इंटरनेट, ये आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. क्योंकि दिस इज़ अ एडवांस फॉर्म ऑफ मीडिया, बिकॉज इन प्रिंट मीडिया हम क्या कर सकते थे, वी कुड ओनली रीड द इंफॉर्मेशन, है ना. प्रिंट मीडिया में हमारे पास बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि न्यूज़पेपर जो होता है वो एक दिन की खबर हमें देता है. दूसरी बात, हम अपना कोई भी रिस्पॉन्स एकदम हाथों हाथ नहीं दे सकते. बट अभी क्या होता है, इंटरनेट, आपके पास कमेंट बॉक्स होता है नीचे, आपको जो भी अगर रिएक्ट करना है किसी भी इंफॉर्मेशन पे, किसी भी इशू पे, तो आप उसको उसी वक्त, है ना, इमीडिएटली आप उसको रिएक्ट कर सकते हो. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से, एक और जो रेडियो पे हम चीज़ों को सुन सकते थे, टेलीविज़न में हम चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इंटरनेट तो बहुत ही एडवांस हो गया. उसमें तो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो, है ना. यानी कि आपका जो भी रिएक्शन है आप इमीडिएट दे सकते हो. सो ऑल दीज, वॉट एवर, रेडियोज, टेलीविजन्स एंड इंटरनेट, दे कम under the heading of electronic media. Okay, so in this way we have two type of media system these days. First is print media and second one is electronic media. तो इन दोनों तरीकों को अभी हम पैरेलल ही चलाते हैं. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से प्रिंट मीडिया की वैल्यू कम हो गई है या वो बंद हो गया है. अभी भी आप देखो, न्यूज़पेपर का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है. मैगजीन्स में एक सबसे अच्छी बात होती है कि आपको पिछले एक महीने की पूरी नॉलेज एक जगह मिल जाती है, ठीक है. इसी तरह से पीरियोडिकल्स का अपना इम्पॉर्टेंस होता है. तो हम कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ साथ काम करती है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने से प्रिंट मीडिया का कोई इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है, ठीक है. सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑन इंफॉर्मेशन, कि ये इंफॉर्मेशन के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं. व्हाट गवर्नमेंट, व्हाट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग एंड व्हाट एवर पीपल आर थिंकिंग अबाउट द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री बाय मीडिया ओनली, ठीक है.
नेक्स्ट आता है पॉइंट मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी में हम क्या पढ़ते हैं, ये वाला हमारा हो गया। अभी मीडिया एंड डेमोक्रेसी में ये कहना चाहते हैं कि जो मेन रोल होता है मीडिया का वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना। इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, चाहे वो हम प्रिंट मीडिया के थ्रू करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हैं। दिस लीड टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब इससे क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन बनती है। लेकिन हमने पहले भी शायद ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में मीडिया के पास बहुत पावर होती है, ठीक है ना, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है और वो अनबायस्ड होती है जनरली। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अंडर में एक नेक्सस फॉर्म हो जाता है। नेक्सस का मतलब होता है ऐसे कनेक्शन टाइप, कि मीडिया कहीं ना कहीं कुछ बातों को छुपा लेती है और कुछ बेकार की जो मतलब बातों को बहुत ज़्यादा न्यूज़ बना देती है, ठीक है, ये भी होता है। Although the media must be biased, biased मतलब क्या होता है, media must be unbiased, एक मिनट, इसका क्या है आपका, media and democracy, है ना, media and democracy। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया को बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, बहुत इंडिपेंडेंस मिली हुई है। लेकिन पहली बात तो ये कि इतनी इंडिपेंडेंस के बावजूद भी उसके ऊपर भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। आपने एक मिनट, आपकी बुक में नहीं है शायद ये, देखने दो, हाँ पढ़ लिया, ठीक है, आपकी बुक में। अच्छा, इसके अलावा हमेशा उसको अनबायस्ड होना चाहिए, उसे किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का या किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पक्ष नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभार नेक्सस पाया जाता है, नेक्सस का मतलब होता है ऐसा कनेक्शन पाया जाता है कि वो जो मीडिया के लोग होते हैं वो अपनी इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए या किसी भी और रीज़न से किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन का, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फेवर करने लग जाते हैं और किसी दूसरे का अपोजिशन करने लग जाते हैं। पर ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मीडिया इज़ द ओनली सोर्स, मीडिया ही एक ऐसा सोर्स है जिस पे कि लोग विश्वास करते हैं और अपनी ओपिनियन बनाते हैं, और जो पब्लिक ओपिनियन रहेगी उसके हिसाब से ही पूरे देश में एक्टिविटीज़ होंगी। सही बात है कि नहीं? अगर आज लोगों को कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, ठीक है, तो फिर लोग तो उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। और अगर गलत इन्फॉर्मेशन होती है तो वो हमारी सोसाइटी की जो शांति है, जो एकता है, उसको भंग कर सकती है, उसको नष्ट कर सकती है। मान लीजिए कि अगर हमारे देश में जैसे हिंदू और मुस्लिम्स का जो इशू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अब मीडिया में किसी भी कारण से मान लीजिए कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट या हिंदुओं के अगेंस्ट कोई गलत न्यूज़ आ गई किसी भी कारण से, तो क्या होगा, देश में दंगे फसाद हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए मीडिया को हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, बिकॉज मीडिया इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वी हैव और जिस पर कि हम भरोसा करते हैं। तो मीडिया को इस तरीके का काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया पर्सनल होना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, इसीलिए उनको काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए और इस तरीके के किसी भी नेक्सस में, किसी भी कनेक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटिंग एजेंडास। सेटिंग एजेंडास वही बात कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, अब आप ये देखते हो कि मीडिया के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी न्यूज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं और किसी भी न्यूज़ को अगर वो चाहें तो वो बिल्कुल बेकार कर सकते हैं। सपोज़ करिए एक्चुअली क्या होता है कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस चीज़ को सामने लेकर आएँ, किस चीज़ को अच्छे से डिटेल में बताएं और किस चीज़ को वो डिटेल में ना बताएं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, अभी आप बहुत छोटे हो शायद कुछ ना भी समझ पाओ, लेकिन जब आप बड़े होगे तो आपको समझ आएगी ये बात कि कई बार शांति बनाए रखने के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज़ों को छुपाना ज़रूरी होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सच्चाई को सबके सामने लाओ, क्योंकि कई बार सच्चाई भी ऐसी चीज़ होती है जो सबके सामने नहीं लाई जा सकती, और कई बार कुछ न्यूज़ ऐसी भी होती हैं जिनको बहुत डिटेल फॉर्म में बताया जाना ज़रूरी होता है। तो सेटिंग एजेंडा का मतलब होता है कि ये पावर मीडिया के पास है कि वो किस न्यूज़ को अच्छे से आपके सामने लेकर आती है, किस न्यूज़ को डिटेल फॉर्म में बताती है और किस चीज़ को डिटेल फॉर्म में नहीं बताती है।
तो मीडिया को इस तरीके से अपना एजेंडा सेट करना चाहिए कि वो ऑथेंटिक न्यूज़ को, सही न्यूज़ को आपके सामने डिटेल में लेकर आए। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसे भी होती हैं जो कि ज़रूरी होता है कि उनके बारे में डिटेल ना बताया जाए, क्योंकि उससे सोसाइटी में पीस जो है और जो अपना सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो सकती है। तो ऐसी न्यूज़ को वो ख़त्म दबा के रख सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, दिस इज़ द पावर ऑफ मीडिया एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया कि वो किस न्यूज़ को डिटेल करे और किस न्यूज़ को डिटेलिंग ना करे। बस उसका जो मेन जो टारगेट होता है वो ये होना चाहिए कि लोगों का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर प्लस द पीसफुलनेस एंड द वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। जिस चीज़ में लोगों की शांति, लोगों की भलाई छुपी है उसको ही आप बताओ। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि कहीं गलत हो चुकी है या गलत हो रही है, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है, लोगों के बीच में जो शांति है उनको, उसको वो ख़राब कर सकती है, तो उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। उसको इस तरीके से बताया जा सकता है कि वो वायलेंस ना फैले बल्कि लोगों को सीख मिले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेटिंग एजेंडा के अंडर में आती हैं, इसके तहत आती हैं कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया की वो किस तरीके से न्यूज़ को पेश करे ताकि लोगों का वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, देश में शांति ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। और अगर कहीं कुछ गलती हो गई है किन्हीं लोगों से, सिटीजन से या गवर्नमेंट से, तो उस चीज़ को इस तरीके से भी दिखाया जाए कि आगे हम उस चीज़ को रिपीट ना करें, हम उससे सीखें, ना कि दंगे फसाद करें, ठीक है। दिस इज़ नोन एज सेटिंग एजेंडा। आप इसको भी पढ़ लेना एक बारी अच्छे से। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सोशल एडवर्टिजमेंट्स। अब कभी आपने टीवी में जो एडवर्टिजमेंट देखे हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो गवर्नमेंट के एडवर्टिजमेंट आते हैं और एक प्राइवेट आते हैं, ठीक है। तो एक एक हेडिंग है सोशल एडवर्टिजमेंट्स। अब इसमें क्या होता है, सोशल एडवर्टिजमेंट्स में क्या होता है, पहले तो मैं एडवर्टिजमेंट समझा दूँ आपको। देखते हो कोका कोला के ऐड आएंगे, बॉर्नविटा के ऐड आएंगे, कारों के आएंगे, ना जाने किस किस के ऐड आते हैं, कपड़ों के आते हैं, सब चीज़ों के आते हैं, जूतों के आते हैं, सब चीज़ों के ऐड्स आते हैं। अब वो तो होते हैं प्राइवेट कंपनी वालों के ऐड, भाई कोका कोला कंपनी ने अपना एडवर्टिजमेंट दिया, एडवर्टिजमेंट मतलब ऐड दिया है ना, तो उसकी चीज़ें बिकें ताकि। अब मान लीजिए अपने वुडलैंड वालों के आ रहे हैं, लिवाइस के आ रहे हैं, किसी के भी ऐड आ रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। इसी तरीके से कुछ सरकारी ऐड आपने देखे होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जो सोशल ऐड होते हैं, जैसे कि धूम्रपान ना करें। हर पिक्चर देखने जाओ जब भी हॉल में, तो उस स्टार्टिंग में आता है ना, ये शहर को हुआ क्या है, लोगों में धुआं क्यों है, वगैरह वगैरह, वो देखा होगा हमेशा आपने ना। तो ऐसे एड्स होते हैं जैसे कि धूम्रपान ना करें, स्टॉप स्मोकिंग, पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग ना करें, इसी तरीके से सीट बेल्ट बांध के रखें, है ना। और कौन कौन से होते हैं, ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फ़ोन ना चलाएं, तो ये सब ट्रैफिक से रिलेटेड हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, सोशल एडवर्टिजमेंट्स कहलाते हैं। और अपनी लिमिट जो स्पीड है, डोंट स्पीड, डोंट क्रॉस द लिमिट, इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्मोकिंग वगैरह के लिए जनरली होते हैं, ट्रैफिक से रिलेटेड जनरली होते हैं, फिर इन्वायरमेंट से जनरली रिलेटेड होते हैं कि पेड़ ज़्यादा, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ऐसा करें, कचरा बाहर ना फेंकें, ये सब चीज़ें आती हैं। स्वच्छ भारत और शिक्षा अभियान, इस तरीके की जनरली हिंदी में होते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो शिक्षा अभियान मतलब एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, या फिर हमारे को स्वच्छता, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अगेंस्ट जो होते हैं वो बताए जाते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने और ट्रैफिक से रिलेटेड जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने के लिए एडवर्टिजमेंट्स बनाए जाते हैं। ORS का घोल पिलाओ, ये भी होता है। इसके अलावा जो विमन के लिए होता है कि भाई कितने बच्चे होने चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, इस तरीके के बहुत सारे ऐड आपने टीवी में देखे होंगे, है ना। तो ये सारे जो एड्स होते हैं वो सोशल एडवर्टिजमेंट्स कहलाते हैं, जो जनरली गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, सोसाइटी के अवेयरनेस के लिए चलाए जाते हैं, ठीक है। तो बस ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें एक छोटी सी पिक्चर भी बनी हुई है, और ये होती है ट्रैफिक प्लेज होती है, ऐसे करके हाथ बनाया हुआ है, और इसमें बताया कि हम ये कसम खाते हैं कि हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने अभी जैसा कि डिस्कस किया कि कई बार जो मीडिया होती है वो किसी बिग
ऑर्गेनाइजेशंस, जो बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, टाटा बिरला जैसे टाइप के, और भी बहुत सारे आजकल तो रिलायंस पता नहीं कौन कौन, तो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाती है, या किसी पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में आके किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर लेती है, या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फेवर लेती है, तो ये बात गलत है। इसके अलावा कई बार ऐसी न्यूज़ भी नहीं दिखाई जाती हैं जो बड़े बड़े लोगों से कोई गलत काम हो गया। मान ली किसी बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले ने किसी ज़मीन को हड़प रखा है या उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, तो ऐसी न्यूज़ ना दिखाना ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो बिग ऑर्गेनाइजेशन इनको, इनके मनी का सोर्स होते हैं, इनके इनकम का सोर्स होते हैं, और डर के मारे ये उनके अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट फाइन। क्यों? क्योंकि मीडिया जो है वो हमेशा अनबायस्ड होनी चाहिए। अनबायस्ड का मतलब वो पार्शियल नहीं होनी चाहिए, वो किसी का फेवर करे और किसी का अपोजिशन करे, दिस इज़ नॉट फेयर। मीडिया मस्ट बी फेयर और वो हमेशा नीट एंड क्लीन अनबायस्ड होनी चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ और बताया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। वैसे ये आप नेक्स्ट ईयर भी पढ़ोगे, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है? एक एक्ट बनाया है। एक्ट क्या होता है? अधिनियम होता है। एक्चुअली जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे सरकार को कुछ नई नई पॉलिसीज लानी पड़ती हैं, कुछ नए नए नियम बनाने पड़ते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, आज से 50 साल पहले इतना ट्रैफिक नहीं होता था, नहीं होती थी लोगों के पास इतनी कार, इतने मोबाइल, तो उनसे रिलेटेड लॉज भी नहीं हुआ करते थे, है ना। अब लेकिन सोसाइटी में इतना ट्रैफिक बढ़ चुका है, तो ट्रैफिक से रिलेटेड लॉज भी बनाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब, टाइम के साथ साथ सब चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से टाइम के साथ साथ उनके लॉज भी चेंज होते हैं। तो ऐसा ही एक लॉ बनाया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इस एक्ट में जो ए है वो हमेशा कैपिटल लिखना, क्योंकि स्मॉल एक्ट ए वाले एक्ट में और कैपिटल ए वाले एक्ट में बहुत डिफरेंस होता है। ACT एक्ट जो स्मॉल के साथ लिखोगे उसका मतलब होता है कोई काम करना, कोई कार्य, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल ए के साथ एक्ट लिखा जाता है उसका मतलब होता है अधिनियम, और ये एक लीगल टर्म है, ये एक लॉ की टर्म है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप जब भी कोई एक्ट लिखते हो उसमें हमेशा आपको बड़ा ए बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्रॉस कर दिया जाएगा, ठीक। तो चलो अभी ये आपके मतलब का नहीं है कि अधिनियम क्या होता है, वो तो आप बाद में पढ़ना, लेकिन अभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ सुनो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया 2005 में। और एक और बात ध्यान रखना कि ये जो ईयर दिया होता है वो शो करता है कि किस ईयर में इसको इनेक्ट किया गया था। इसको शॉर्ट में बोलते हैं RTI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके हिसाब से क्या है कि गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है उसको जानने का अधिकार लोगों को है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है। तो कुछ भी कोई काम करा जाता है, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, कुछ भी है ना, चाहे वो रिटन में दिया जाता है, मुंह से बोल के दिया जाता है, उन सब के बारे में जानना लोगों का अधिकार है। और ये भी नियम है, और इस नियम को प्रेसिडेंट ने 15 जून 2005 में अपनी असेंट दी थी, है ना, उन्होंने इसको स्वीकृति दी थी, ठीक है, हस्ताक्षर साइन किए थे। तो 15 जून 2005 से ये वाला जो एक्ट है वो लागू किया गया था, जिसमें कि ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसके बारे में जानने का अधिकार है जनता को। इसीलिए आप देखते हो टीवी चैनल्स पे कितनी ज़ोर ज़ोर से बहस आती है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्यों? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो सिटीजन्स को दे सकें। अच्छा, इसके अलावा किसी भी जानकारी को जानने के लिए अगर कोई इंसान कोई फॉर्म भरता है, तो उसके अंदर जब जिस दिन फॉर्म भरा जाता है, जिस दिन एप्लीकेशन दी जाती है, उस दिन के 30 डेज़ के अंदर वो इन्फॉर्मेशन सिटीज़न को दे जानी चाहिए, ये रूल है। इसके अलावा एक और रूल है कि अगर किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल है, कोई इमरजेंसी केस है, तो 48 आवर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर कोई बंदा, कोई इंसान या कुछ लोग ऐसी बात को जानना चाहें जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी हुई है,
ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो देश में शांति के लिए ज़रूरी है, तो ऐसी न्यूज़ देने के लिए गवर्नमेंट कंपेल नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि अगर अपनी सारी सिक्योरिटी के बारे में जनता को बता दिया जाए तो वो सीक्रेट कैसे रहेगा। और ये भी हो सकता है कि हमारी जनता में, हमारी जो सिटीज़न है उसमें कोई ऐसा बंदा भी बैठा हो जो दूसरे देश का हो, ठीक है, या तो फिर हमारा ही कोई इंसान गद्दारी करके दूसरे देश तक वो बात पहुंचा दे। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी जैसी चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें कभी भी पब्लिक नहीं की जाती हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को देना गवर्नमेंट के लिए वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए वो मना कर सकते हैं। सो दिस इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचता है लोकल न्यूज़ करके, लोकल मीडिया। लोकल मीडिया क्या होता है? अब छोटे छोटे जो गांव वगैरह होते हैं तो उसमें कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह ऐसे छापे जाते हैं जो सिर्फ वहाँ की ही न्यूज़ देते हैं, ठीक है। इसमें आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, बस इससे ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है उसके अंदर। तो ये कुछ लोकल मीडियाज़ होते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए एक उन्होंने बताया खबर लहरिया। खबर लहरिया एक न्यूज़पेपर का नाम है जो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में छपता है, ठीक है। इसको लोकल लैंग्वेज में बुंदेली जो वहाँ बोली जाती है उसी लैंग्वेज में बनाया जाता है, उसी लैंग्वेज में छापा जाता है, और ये 8 दलित वुमेन के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। इट इज़ रन बाय 8 दलित वुमेन। दलित वुमेन क्या होती हैं? दलित उन्हें बोला जाता था जो पुराने ज़माने में लोअर कास्ट के लोग समझे जाते थे ना, उनको दलित कहते थे, है ना। तो उन्हीं तरीके की जो दलित वुमेन हैं वो 8 कोई औरतें हैं, वो ये खबर का जो चलाती हैं न्यूज़पेपर, जिसको कि उन्होंने नाम दिया है खबर लहरिया, ये बुंदेली में चलता है, ठीक है। और वहाँ के जो पॉलिटिकल करप्शन के अगेंस्ट अगर कोई बात होती है तो वहाँ पर के जो फार्मर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, वो सब इससे बड़ा ही फ़ायदा उठाते हैं। और ये एक यूनिक एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन का। ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन मतलब जैसे हम एजुकेट तो करते ही हैं लोगों को, लेकिन साथ साथ ये न्यूज़ देना, न्यूज़ में रखना किसी को, ये भी एक तरीके की एजुकेशन ही है, ताकि उन लोगों को पता चलता रहे कि आसपास हो क्या रहा है, है ना। एक कम पढ़ा लिखा इंसान है, उसे इंग्लिश नहीं आती, उसे हिंदी भी इतने अच्छे से नहीं आती, बट अपनी खुद की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज तो आती होगी, तो वो उस लैंग्वेज को पढ़ के एटलीस्ट इतना तो समझदार हो सके कि भाई देश में चल क्या रहा है, हमारे गाँव में, हमारे शहर में चल क्या रहा है ना, और हमारे लिए कौन से रूल्स बनाए जा रहे हैं, हमारे लिए कोई अच्छाई का काम किया जा रहा है या हमारी बुराई का काम किया। तो थोड़ा बहुत उनको एजुकेटेड, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन के तौर पे ये काम करता है। सो दिस वाज योर चैप्टर रोल ऑफ मीडिया। इन दिस वे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आपके पास सारी वीडियोस हैं, वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, ठीक है। आपको और कहीं कुछ प्रॉब्लम अपनी सुनाने की ज़रूरत है या नहीं है, अदरवाइज आप मुझे खुद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे भी PDF के लिए 50 बारी फ़ोन करते हो ना, इसी तरीके से वीडियो से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे बात कर सकते हो, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो यू विल गेट द PDF ऑफ द चैप्टर, एंड इन दिस वे दिस चैप्टर इज बीन कम्प्लीटेड। एक बार वापस से रीड करो चैप्टर को ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। सो हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय।